का एक प्लान बन चुका है आउट ऑफ दिल्ली जाने का। लेने के लिए आए थे इससे गोप्रो। अब मैं ट्रैक बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाम लग रहा है, बहुत ही देर से हम लोग लाइन में लगे रहे हैं, बहुत टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया मुश्किल हमें पूरा। हमें हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं बढ़िया ही होंगे। बढ़िया हो तो ऐसे ही बढ़िया रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। सो गाइस, हम हो चुके हैं रेडी और हम लोगों का एक प्लान बन चुका है आउट ऑफ दिल्ली जाने का। सो आपको जल्दी पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं, पर अभी तो हम रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी सन्नी के घर। सन्नी के घर से कुछ काम है हमें, तो मैं जा रहा हूँ और एक बंदा और जा रहा है, जल्दी आपको दिखा दूँ कौन जा रहा है। तो चलो जल्दी से निकलते हैं, रेडी हो चुके हैं और सन्नी से काम है निपटाते हैं, फिर आगे का एक प्लान है, शॉपिंग भी करनी है क्योंकि एक प्लान बना है हमारा आउट ऑफ दिल्ली जाने का। तो चलो जल्दी से मिलते हैं आपसे। हो चुका है हमारे साथ, रोहित है हमारे साथ और हम जा रहे हैं सन्नी के यहाँ। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं सन्नी के घर के लिए, अब रास्ते में हैं और जल्दी से पहुँच के हमारा एक प्लान है जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। चलो जल्दी मिलते हैं सन्नी से, बात करते हैं, बताते हैं आपको क्या प्लान है, पर अभी नहीं बताएंगे, जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा वीडियो में आगे। तो बने रहे इस वीडियो में, लाइक कर दें यार, कमेंट वमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा बता दिया करो, कोई सजेशन वगैरह है तो सजेशन दे दो और जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो बता दो हमें, हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। गाइज, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है ये वाला रोड, एक फ्लाईओवर बन रहा है सेटेलाइट से, नहीं तो सीधा हम लोग आते, बहुत जल्दी पहुँच जाते सन्नी के घर, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये रोड बन रहा है और बहुत जल्दी बना रहे हैं। वैसे तो ये बहुत जल्दी कंस्ट्रक्ट हो गया है, ये ऑलमोस्ट बन ही चुका है, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होगा। सही है, दिल्ली में डेवलपमेंट चल रहा है बहुत। और ये देखो, ये सही नहीं होगी चीज़ें, ये आ गया बुद्धा पार्क। क्या है ये पता नहीं चला यार कभी, क्या पता है तेरे को क्या है? पर अभी बना नहीं है शायद, अधूरा पड़ा है। गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाम लग रहा है, बहुत ही देर से हम लोग लाइन में लगे रहे हैं, बहुत टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया मुश्किल हमें पूरा, हमें यहाँ से हिल ही नहीं रहा है। रोहित गया है देखने के लिए, अभी को बोला जाम साफ करवा दे भाई, जाम साफ करवाने गया, अभी पूरा आगे तक लग रहा है, बहुत आगे तक। फाइनली गाइज, हम लोग निकल गए हैं जाम से, बहुत ही मुश्किलों से निकले जाम से, रोहित ने साफ करवाया जाम, तब जाके हम लोग निकले हैं और अब हम लोग आ गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले सन्नी के घर के यहाँ पे। पूरा मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता है, पर फिर भी 2 घंटे लग गए हमें जाम की वजह से, क्योंकि एक बस ख़राब हो रखी थी रास्ते में, तो बस ख़राब हो जाती है तो बीच में ही छोड़ देते हैं वो, फिर वो खड़ी रहती है और वन वे था ये पूरा, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। चलो पहुँच गए, मिलते हैं सन्नी से। सन्नी के यहाँ पे और सन्नी ये रहा। सन्नी से हमें काम क्या था, हम लेने के लिए आए थे इससे गोप्रो। अब मैं ट्राई करूँगा गोप्रो, ट्राई करके देखूँगा फिर बाद में खरीदूँगा एक गोप्रो। मैं पहले देख लेता हूँ मेरे मतलब कन्वीनियंट होता है मेरे लिए या नहीं होता है, फ़ोन ही कन्वीनियंट है, फिर देखते हैं। चलो रोहित बाहर खड़ा है, रोहित भी जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। चलो हो गया, एक गाइस निकल चुके हैं यहाँ से, सन्नी को छोड़ दिया है, हमें थोड़ा सा भूख लग रही थी तो हमने बिरयानी खा ली है। आगे का रास्ता देखते हैं कैसा है क्या है, क्योंकि वहाँ तो जाम लग रहा है, रोहित एक नया रास्ता बता रहा है, वहाँ से निकलते हैं अब। चलो बने रहो इस वीडियो में। ये रोहित ने एक नया रास्ता बताया, बहुत सही रास्ता है उधर की तरफ से, कौन सा सेक्टर पड़ता है ये पता नहीं, सेक्टर 5 पड़ता है भवाना का, और यहाँ से हम लोग आए, बहुत सही रोड था सीधा सीधा और अच्छा बना हुआ था, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसलिए यहाँ थोड़ी सी रोड टूटी हुई है, बाकी यहाँ से पहुँच जाएंगे हम जल्दी, उस जाम से बच जाएंगे वहाँ जो बस ख़राब हो रखी थी। चलो पर चलते हैं। गाइस, हमने रोहित को छोड़ दिया है और हम लोग आ गए हैं इधर, थोड़ा सा काम था हमारा, कल का एक प्लान है जैसा मैंने बताया आपको, उसमें थोड़ी प्रिपरेशन चल रही है, तो कुछ काम करवाना था गाड़ी में तो वो करवाते हैं जल्दी से, फिर घर चलते हैं और शाम को शॉपिंग भी करनी है थोड़ी सी। चलो चलते हैं, हम लोग आ गए शॉपिंग के लिए, रोहित को थोड़ा सा सामान खरीदना है और भाई
तैयारियां चल रही हैं। चलो बताते हैं आपको क्या लेगा रोहित। तो गाइज हम लोग आ गए घर पे वापस। रोहित ने ले लिया सामान, थोड़ी शॉपिंग कर ली उसने, दो जीन्स ली हैं, एक टी शर्ट ली है, तो वो रेडी हो चुका है। चलो हम भी रेडी हो चुके हैं, हमारी पैकिंग हो चुकी है पूरी, कल निकलना है हमें। जल्दी आपको पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। तो चलो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, पीस।